चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। आज दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर, ये भी आपको जानकारी दे देंगे कि कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम जयराम ठाकुर मुलाकात कर सकते हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कितने बजे सीएम जयराम ठाकुर शिमला से रवाना होंगे और क्या मुख्य कारण, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी वो राजधानी दिल्ली आए थे। बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री का दौरा है दिल्ली, कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो अभी रविवार को ही मुख्यमंत्री जो है वो वापस शिमला दिल्ली दौरे से पहुंचे थे, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि राजनीतिक समीकरण अगर जोड़कर हम इसे देखें तो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि कई जगहों के मुख्यमंत्री जो है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उनकी उसमें बदलाव जो है वो वहां पर किया गया है, तो बहुत से लोग जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे को इस बात से जोड़कर जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री को बदलने के लिए कोई ऐसा रास्ता जो है वो दिखता नहीं है, और कयास भी कुछ राजनीतिक लोग जो इस समय राजनीतिक जानकार हैं उनकी माने तो ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है ये बिल्कुल अलग किस्म का है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव के अगर हम बात करें तो ऐसा कोई जो कयास जो है वो बिल्कुल गलत है, कुछ कहना जो है सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले दिनों में ये कहा था कि अब सितंबर माह तक जो है वो चुनावों को टाला गया है, क्योंकि राज्य में 4 उपचुनाव जो है वो यहाँ पर होने थे, तो ऐसी अटकलें जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही थी कि इनको जो है अब नवंबर के बाद कभी भी करवाया जा सकता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से इस पर बातचीत जो है वो जरूर होगी। जो जगत प्रकाश नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनके साथ भी एक बैठक जो है वो तय माना जा रहा है कि एक बैठक जो है उनके साथ होगी मुख्यमंत्री की दिल्ली में, और ऐसे में 4 जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक मंडी लोकसभा है और बाकी 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर चर्चा जो है वो जरूर होगी। रिपोर्ट कार्ड जो है वो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड अब केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो वहां पर देना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उनका दिल्ली दौरा जो है वो तय हुआ है। आज सुबह 9:30 बजे जो है हेलीकॉप्टर के जरिए वो शिमला से उड़ान भरेंगे, 11 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, और उसके बाद कल दोपहर 12:30 बजे जो है उनका फिर वापस शिमला पहुंचने का कार्यक्रम। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है ये बनाया गया है, लेकिन इस दौरान जो अटकलें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर बदलाव जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है, या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तो जो बदल कर यहाँ पर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर बीजेपी और अन्य जो राजनीतिक जानकार है वो गलती से करार दे रहे हैं। विकास, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम जयराम ठाकुर मुलाकात करेंगे, क्या ये साफ हो पाया या फिर ये ऑफिशियल जानकारी मिल पाई है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों भी जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था तो उस समय पे भी कई मंत्रियों से मुलाकात जो है वो इस बाबत हुई थी, जो हिमाचल प्रदेश में जो लटके हुए कई ऐसी परियोजनाएं थी, ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट थे जिनके कारण यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक जो कार्य है वो नहीं हो पा रहे थे, ऐसे में उनसे मुलाकात जो है वो पहले दौर में हो चुकी है। लेकिन इस दौरे के दौरान ये माना जा रहा है कि कोई बड़ी जिस तरह से अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो उनसे मुलाकात संभव नहीं है, क्योंकि समय जो है वो नहीं मिला है, लेकिन जो विभाग हैं केंद्रीय उनके साथ जो है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है जरूर बैठक यहाँ पर जो है वो की जा सकती है। इसको लेकर हालांकि कुछ स्पष्ट जो है वो अभी तक मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यहाँ पर नहीं किया गया। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम जयराम ठाकुर मुलाकात कर सकते हैं। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए है।